मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से आज एक खास मुलाकात रेवतीपुर के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय राहुल राय जी। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जीवन में कोई भी अपना कार्य कोई करता है तो किसी न किसी प्लानिंग के थ्रू ही रहता है, तो राजनीति में तो आना था, बचपन से सोच रखा था। सही समय माननीय मोदी जी और योगी जी ने तय कर दिया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन दोनों महापुरुष के समय में अगर राजनीति में पदार्पण करूंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा, तो ये हमें सबसे उचित समय लगा राजनीति में आने का। इसलिए मैं राजनीति में आया, इन दो महापुरुषों के सानिध्य में काम करने का मौका मिलेगा। जितनी मेरी उम्र है, मैं आपको बताऊं, काफ़ी करीब से आज आप जन जन तक लोगों के जुबान पे आपका नाम है, मगर इससे पहले जो भी राजनीतिक परिदृश्य में लोग हुए हैं, लोगों से उन जो भी माननीय हैं उनसे विश्वास जनता का उठता जा रहा है। लोग जो उम्मीद जनता करती है उस पर लोग खरा नहीं उतरते। ऐसा नहीं है, अपनी अपनी सोच है। डेढ़ दो महीने पहले ब्लॉक प्रमुख चयन होने से पूर्व मैं भी जनता था, लेकिन मुझे अपने नेताओं पे भरोसा था, गर्व था। माननीय मनोज सिन्हा जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे तो अपने नेताओं पे गर्व था और गर्व है भी। कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव जीतने के बाद दिल्ली और लखनऊ बस जाते हैं, उनसे जनता को ज़रूर कष्ट होती है, इसीलिए जनता उनको फिर वापस कर देती है, वो लखनऊ दिल्ली ही चले जाते हैं और वहीं रह जाते हैं। तो राजनीति करनी है और जनता की सेवा करनी है तो जनता के बीच तो रहना ही होगा। मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से राहुल राय जी से ये जानना चाहूँगा, क्या कोई अगर राहुल राय जी को आवाज़ देता है तो क्या किसी को कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिसे राहुल राय जी पूरा कर सकते हैं, तो क्या राहुल राय जी वहाँ मिलेंगे? मुझे तो अगर कभी कोई फ़ोन आता है कि प्रमुख जी ये मेरा कार्य है और मैं ये तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि भगवान ईश्वर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम सब के नेता माननीय मनोज सिन्हा जी ने हमें इतना आशीर्वाद प्रदान किया है कि मैं किसी के लिए दो कदम चल सकूँ, और किसी के लिए दो कदम चलना और उसकी मदद करना, ये मैं ही नहीं अगर आप भी करेंगे तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। और एक सच्चा जनसेवक, एक सेवक को उस समय जो अनुभूति प्राप्त होती है उसका कोई मोल नहीं होता है। अगर वो सफल होता है उनकी मदद करने में तो मानता है कि आज मेरे पूरे दिन का, पूरे मेरे दिन की मेहनत सफल हो गई। इसे मुझे तो बहुत सुखद अनुभूति होती है और मैं तो अधिक से अधिक जनता के बीच में रहने की कोशिश करता हूं। अब जनता, अभी तक तो मुझे जितना स्नेह प्यार जनता का मिला है, मैं तो बहुत भाव विभोर हूं और उसको शब्दों में मैं कह नहीं सकता। समय काफ़ी कम है, आपने छोटे भाई को समय दिया, और अगर ज़रूर कभी समय रहा तो मैं आपसे मिलना चाहूँगा। इतना समय देने के लिए छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी सुना था आपके चैनल के बारे में, आपके बारे में, आप जैसे युवा जो इतना प्रयत्नशील है समाज के लिए, जो इतना चिंतित है समाज के लिए, आप लोग युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो। मैं आप सबसे बस यही कहूँगा कि जहाँ मेरा सहयोग और इस आपके योगदान में मैं जिस लायक हूँ, मैं जिस रूप में आपकी मदद कर सकूँगा, बहुत गर्व की अनुभूति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात की, गाजीपुर से वरन लोगों से चाहूँगा, एक बहुत बड़ी मिसाल है आपकी, एक आवाज़ पे राहुल राय जी हमेशा चले आते हैं। आखिर आपकी इस बात का कैसा जुड़ाव है कि आखिर रिश्ता क्या है? देखिए, अचानक जैसा होता है ना कि दिल मिल जाता है, बस वही दिल मिला और हम लोग चल दिए। आज मुझे तो लग रहा है कि गौरा में कोई भाई आया है, नेता नहीं। और मुझे, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हमारा गांव विकास की तरफ जाएगा और इन्हीं के सोच से जाएगा।
पूरी उम्मीद पूरा विश्वास है। और आज पंचायत भवन जो बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में था आप देख रहे हैं आज किस मुकाम पर जा रहा है। गांव में कितनी समस्याएं हैं, जल निकासी की समस्या है, सड़क की समस्या है। जब मैं 2005 में प्रधान हुआ था उसके बाद लगातार लोग रहे हैं, सब लोगों ने कुछ न कुछ करने का ही प्रयास किया है, लेकिन अभी काफ़ी काम छूटा हुआ है। बहुत समस्याएं हैं, सबको दूर करने की आवश्यकता है, जिसमें बिना इनके और माननीय विधायक जी हमारे अलकार हैं, उन्होंने भी गाँव के लिए काफ़ी काम किया है, उनके बिना भी संभव नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि राहुल भैया आगे निकलें और हम लोगों का नेतृत्व करें, और नेतृत्व मजबूत होगा तो पीछे रहने वाले लोग अपने ही मजबूत हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं काशी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, जहाँ मर्दानगी और सोच दोनों ही सबसे आगे रही है। काशी विश्वविद्यालय बिरला हॉस्टल का छात्र रहा हूँ, जहाँ कोई किसी से कभी डरता नहीं था, आज पुनः वही स्थिति बनी है। विकास के बारे में हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, डरते हैं तो सिर्फ काम न करने वाले से। आज समय आ गया है, काम करना है, करते ही जाना है। गांव को ब्लॉक क्या जिले के पटल पे दिखाई पड़े। 2008 में हमारा गांव निर्मल गांव था, संजय प्रसाद जी डीएम हुआ करते थे, उन्होंने गांव को 2,00,000 रुपये पुरस्कार दिया था विकास के नाम पे। पूरे गांव के हर घर को शौचालय बनाया गया था, 464 शौचालय बना था, जिसमें ग्राम प्रधान मैं था। आज पुनः उसी जोशो खरो साथ लोगों ने हम लोगों को फिर कुर्सी पर पहुँचा दिया, हमारी पत्नी को पहुँचाया, लोगों ने भरोसा जगाया। और मैं समझता हूँ कि बिना राहुल भैया के गाँव का विकास संभव नहीं है, निश्चित होगा, और सभी लोगों का प्रयास रहा है जिन्होंने आज इस ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया। और पुनः 20वीं साल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और 10 साल अभी और, क्योंकि नौजवान 30 साल तक बिल्कुल ही जवान रहता है। अभी हम लोग जवान हैं, रहेंगे, काम करेंगे और ज़बरदस्त काम करेंगे, इनके सहयोग से काम करेंगे। हम लोग नेता हैं, नेतृत्व इनके हाथ में रहेगा, पूरा विश्वास और पूरी हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। गौरा की बात करें, मन में ऐसा क्या है कि यार कुछ छूट रहा है, अगर ये हो गया तो आने वाले समय में गौरा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, पहला तो पंचायत भवन था ही नहीं, सम्मानित सदस्यगण, हम लोग के यहाँ कोई स्थान ही नहीं था बैठने के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए बैठने के लिए जगह नहीं था। लेकिन आज भैया के प्रयास से और सब लोगों की हिम्मत से आज बैठे हैं उस जगह पर हम लोग, जहाँ कोई सोचा नहीं था। यहाँ भूसा, गाय, गोबर यही हुआ करता था। सामने एक शेड है, उसकी भी मरम्मत होनी है। पुरुषों की धर्मशाला एक है, दीपावली के सुबह वहाँ भी काम लगना है, क्योंकि वहाँ लोगों का भोजन बनेगा और इस शेड में भोजन कराया जाएगा, क्योंकि सबके पास द्वार पे घर पे जगह नहीं है। एक बढ़िया स्थान है जहाँ सबके लिए व्यवस्था की जाएगी, सब लोग अपना अपना कोई भी कार्य सम्पन्न कराएंगे और यहाँ उनके लिए व्यवस्था की जा रही है बहुत जल्द। फिर राहुल भैया के हाथ से ही 2 महीने के बाद, पूरे डेट के साथ मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से, 2 महीने के बाद धर्मशाला और कुएं की मरम्मत भी हो जाएगी। फिर आएंगे और फिर इन्हीं के हाथों से फिर पुनः लोकार्पण होगा। अभी बहुत काम है, काम समाप्त नहीं होना है, हम लोग भले ही बूढ़े हो जाएं, चलते ही जाएंगे। अब देखिए आगे मुकाम, प्रयास सब कुछ जारी है, होता ही रहेगा, काम होगा, अच्छे ढंग से होगा, शिकायतें होगी, विपक्ष भी है, सब लोगों के मुख पे काम किया, वोट दिया हो या न दिया हो, साथ रहा हो या न रहा हो, उन लोगों की भी मदद की जाएगी, काम किया जाएगा और निश्चित रूप से काम होगा। पूरे ब्लॉक में हमारा गांव विधवा पेंशन में 5वें-4वें नंबर पे, वृद्धा पेंशन में 7वें नंबर पे और विकलांग पेंशन में 3रे नंबर पे है 46 ग्राम पंचायत में। निश्चित रूप से प्रयास हुआ है, मेहनत हुई है, तब आज स्थिति है। और 20वें साल की तरफ लोगों ने अगर हम लोगों पर विश्वास व्यक्त किया है तो इसी भरोसे के तहत माताएँ बहनें, हर घर में पैसा जा रहा है, चाहे मोदी जी का पैसा हो चाहे ग्राम पंचायत का पैसा, कहीं ना कहीं जा रहा है और सबका सहयोग होगा। आज ग्राम प्रधान उसी की बदौलत, सबके प्रेम स्नेह की बदौलत अरुंधति राय यहाँ उपस्थित हैं, और आप देखें लगेगा कि नहीं कुछ हुआ है। अब आपसे भी, मेरे से आपका भी गुरु आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप हमेशा से हमारे लिए तैयार रहे हैं। दयाशंकर भैया भी हैं, उसके बाद पंडित जी भी हैं, दोनों ही लोग हमेशा प्रेम देते रहे हैं, वहाँ भी आए लोग। और आपका आना हमारे लिए शुभ इसलिए है कि आपकी बात जन जन पे पहुँचेगी, सब लोगों के मन में तीर की तरह धंसेगी कि नहीं, गांव में विकास होगा और आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आपसे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप निश्चित रूप से हमारे गाँव के विकास में व्यवस्था देंगे, बात आगे तक पहुँचाएंगे, लोगों में कहीं बात दिखाई पड़ेगी, कहीं बात गलत भी होगी, उसको सुधारेंगे आप, हमसे भी कोई गलती हो सकती है उसको भी सुधरवाने में मदद करेंगे आप, मेरा पूरा भरोसा है आपके ऊपर।
बहुत बड़ी बात की, और सिर्फ दो मिनट में चाहूँगा। राहुल भैया जब मन से बोल रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मन में वो आंसुओं का एक मन आहसा हो गया जब इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि आज नहीं है जो ईमानदारी पूर्वक काम करे गांव में युवाओं के लिए। मैं बता दूं, मेरी उम्र भले ही कम है, मैं जिस गांव से हूं वहां जन जन तक लोग इनको जानते हैं, लोकप्रियता के जिस शिखर पर हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा सफलता इनके कदम चूमे, सफलता का श्री गणेश का सफल यही जारी रहे। भैया मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।